साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी। भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। मुझे बताया गया कि अब तो ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड भी शुरू होने जा रही है।
मुझे ये जानकर भी बहुत अच्छा लगा कि हां आप सबने आजादी का अमृत महोत्सव भी बहुत धूमधाम से मनाया है। यहां की कई सारी सिटी काउंसिल्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। सिडनी ओपेरा हाउस जब तिरंगे की रोशनी से सराबोर हुआ तो यहां हर भारतीय का दिल खुश हो गया। हिंदुस्तान में भी जय जयकार हो रहा था और इसके लिए मैं न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट का विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूं।